व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने बाइक के लिए या अपने स्कूटर के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट है और ओनली आपके स्टिकर्स आपके फट गए हैं, आपके ख़राब हो गए हैं, तो आप उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट विथ स्टिकर को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल या पीसी में। तो हम यहाँ पर समझाने अपने मोबाइल में, तो मोबाइल फ़ोन में हम आ चुके हैं। और मोबाइल फ़ोन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल क्रोम में बुक माई HSRP, ठीक है। इतना आपको सर्च करना है और इतना सर्च करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट में आ जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विथ कलर स्टिकर के साथ में या ओनली स्टिकर्स। तो हम ऊपर वाले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें नंबर प्लेट भी चाहिए। आप नीचे वाले भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, आपको यहाँ पर ओनली स्टिकर्स भर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऊपर वाले में, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, सेटअप वन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बुकिंग डिटेल्स व्हीकल इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर अपनी बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं स्टेट में, आप जहाँ से भी हैं आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना यहाँ पर रजिस्टर नंबर डालना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया अपना बाइक का नंबर रजिस्ट्रेशन वाला, और नंबर डालने के बाद आपको नीचे आपको डालना है चेचिस नंबर। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, नीचे वाले में इंजन नंबर, ठीक है। इंजन नंबर आपको डाल देना है, और इंजन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन में कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक हियर में, और जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आपके सामने नीचे और जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डालना है व्हीकल कैटेगरी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक आपको यहाँ पर कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है कि आपकी बाइक है या आपका स्कूटर है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर मोटरसाइकिल है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मोटरसाइकिल। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आपको डालना है अपना ओनर नेम, अपनी ईमेल आईडी, ओनर का नंबर, और ओनर नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है बिलिंग एड्रेस, और बिलिंग एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है स्टेट, और स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है सिटी जहाँ से भी आप हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है नीचे GST नंबर, अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा होम डिलीवरी का या डीलर अपॉइंटमेंट का। तो हम यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद हमारे एरिया में होम डिलीवरी ऑप्शन हो। होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर 125 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो हम यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर घर में अगर आ जाती है नंबर प्लेट तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं होम डिलीवरी में, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर डीलर अपॉइंटमेंट में क्लिक करके हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं होम डिलीवरी में। होम डिलीवरी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, और पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक अवेलेबिलिटी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपके एरिया में डिलीवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे एरिया में ये सर्विस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डीलर अपॉइंटमेंट का, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं डीलर अपॉइंटमेंट में। और पेज ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना अपना स्टेट UP है, और आपको सिलेक्ट आपको कर लेना है अपने हिसाब से जहाँ से भी आप हैं। और UP सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है सिटी, ठीक है, आप किस सिटी की आप डीलर से आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया UP, और नीचे सिलेक्ट कर दिया है नीचे बांदा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक कर देना आपको यहाँ पर गो में, और जैसे आप गो में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जिस सिटी में जितने भी डीलर्स होंगे ये सारे डीलर्स के नाम आ जाएंगे। या आप यहाँ पर सर्च डीलर या पिन कोड भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और गो में क्लिक कर सकते हैं, तो उससे भी जो है यहाँ पर सारे डीलर्स के ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओनली 2 डीलर्स यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मयूर मोटर्स में, ठीक है, आपके इसमें कुछ भी आ सकता है जो भी आपके यहाँ पर सिटी में डीलर होगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मयूर मोटर्स में, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है इसका एड्रेस और इतने रुपए आपको लगेंगे 377 रुपए। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म डीलर में। अपॉइंटमेंट की डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कन्फर्म एंड प्रोसीड में। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे सारी समरी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी,
डीलर्स का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, सेल्स नंबर, बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ताकि आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकें। ठीक है, सारी चीज़ आपको देख लेनी है और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फिर से कन्फर्म प्रोसेड में। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पे करना है ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर देना है अगर आपका सेम अगर आपका नंबर है, और अगर आपका सेम नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर एक नंबर और डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पे ऑनलाइन में। और इसके बाद आपको पेमेंट आपको कर देना है क्रेडिट कार्ड से या UPI ID से या नेट बैंकिंग से या वैलेट से, आपको किसी से भी आपको पेमेंट आपको कर देना है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं UPI ID को, ठीक है, जो कि हमारी पेटीएम की है। तो हम यहाँ पर फटाफट पेमेंट हम कर देते हैं। तो हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद आपके इसमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके एक पेज आपको निकाल लेना है। ठीक है, उस पेज को आपको ले जाना है जिस भी दिन इस टाइम में आपका हो अपॉइंटमेंट। ठीक है, और वहाँ पर आपको बिल को आपको यहाँ पर दिखा देना है और पर्चा दिखाने के बाद आपको नंबर प्लेट आपको लगवा लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।